प्रश्नों को रोक रहे हैं। हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट भी बैठे हैं, थोड़ा उनसे भी आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो डीके दुबे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से संविधान को लेकर ये राजनीति हो रही है, और क्या वाकई 400 सीट लाने वाली पार्टी अगर ले आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा? देखिए, संविधान बदलने की जहां तक हम बात करते हैं तो याद करना चाहिए केशवानंद भारती का जजमेंट। 42वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेजिस्लेटिव नेक्सस भी नहीं हो सकता, यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। तो जो ये बात मोदी जी ने भी कही है कि बाबा साहब भी नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर सही नहीं उतारेंगे तब तक संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जरूर हो सकता है कि आप कोई कानून ऐसा बनाना चाहते हैं या उसमें कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, लेकिन वो लाने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर जाएगा। अब अगर संविधान बदलने की बात कोई स्वीकार करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास करता है, ये उसको बताना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर ही अविश्वास करता है। बड़ी बेंच बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को चेक करेगी, और वैलिडिटी चेक होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। ऐसा अगर विचार है तो बात मानी जा सकती, अदरवाइज संविधान में कई एक संशोधन हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर जाने के बाद असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह चुका है कि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकें। इसी जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं तो उस समय हम ये जरूर कहते हैं व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि उस समय असेंबली का इंटेंशन क्या था, उस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए संविधान के संशोधन को भी स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसलिए ये जो बहस है वो बहस ही मुझे लगता है कि रॉन्ग डायरेक्शन पर है। लेकिन हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो उम्मीद करती है कि वो जब चुनाव में जाएगी तो उसको मैक्सिमम सीटें मिले, ताकि भ्रम क्यों फैला रहे हैं। संजय मिश्रा जी, आपने सुना यहाँ डीके दुबे जी को, फिर क्यों आप लोग अफवाह फैला रहे हैं? यही बात पीएम ने भी आज कही कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या इस तरह से वोट मिल जाएंगे? हिमानी जी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिन लोगों ने देश बनाया, आज उन्हीं को बीजेपी कह रही है कि ये तो संविधान विरोधी लोग हैं। अब इससे ज्यादा हंसी वाली बात क्या हो सकती है? डीके दुबे जी, डीके दुबे जी से मेरा सवाल है, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए। दो तीन संशोधन है, वो ये है कि संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया था पहली बात, क्योंकि उस समय जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी उसमें सेलेक्ट किया गया था राज्यों से, और सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे। कांग्रेस की सरकार 1951 में जब ये चुनाव आया तब बनी है। इसको कहना चाहिए कि 26 जनवरी सन 1950 तक कोई पार्टी और की पहला संशोधन में नहीं थे। कहां से संविधान है क्या कि जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी वो कांग्रेस थी, नो डाउट, लेकिन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे और तब संविधान बना था। इसमें बहुत प्रकार के देश भर के प्रतिनिधि थे, इसलिए किसी एक पार्टी को उसका श्रेय जाता है, ये मुझे लगता है इस पर थोड़ा संशोधन करना चाहिए। प्रेम जी से मैं इस पर काउंटर रिएक्शन लूंगी। प्रेम जी से, प्रेम जी से, प्रेम जी से, बस नहीं, एक मिनट, मैं 10 सेकंड दीजिए, कर लीजिए आप अपनी बात पूरी। दूसरी बात क्या है कि जैसे 2015 में एनजेएसी का संशोधन आया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार के पास पावर थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा 2019 का जजमेंट है, जब आर्टिकल 35 कैपिटल ए, आप याद करिए आर्टिकल 35 कैपिटल ए संविधान में जोड़ दिया गया था, और बिना पार्लियामेंट जाए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था, जिसको चैलेंज 2014 में किया गया, और वो उसका जजमेंट आया है 370 के जजमेंट के साथ, जिसको कहा गया है ये तो प्योरली ब्लंडर। तो ऐसे ब्लंडर भी हमारे संविधान के साथ हुए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो जजमेंट आने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके 4th नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, बाकी उन 3 सीनियर्स ने उस समय इस्तीफा दे दिया। ऐसे भी भारत में संविधान संकट आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार उन संकटों को पार करके उसने एक डेडिकेटेड जजमेंट दिया है, और किसी भी पार्टी, चाहे किसी भी, जैसे मैंने कहा मोदी जी का
संशोधन था एनजेएससी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे बहुत सारे ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन प्रेम जी का संशोधन है। हाँ,